पासे उभो वदे के ना कैसा गलती होगी मारी ना घोड़ी अनोरी तो के घोड़ी नहीं गोणी अनोरी है मैं और जुर्मो ना ता गोणी लागे ने रिफाइनरी आ अपनी है और अन्ने मैं कब्जो आप पे करो और अपना मजदूर लागी आतरीज बात है और इन बात पर जोर ना छोड़ ताली मैंने मैं अपन है धनकर जी आया बहुत खुश हुआ यहाँ पे और करमवीर जी आया वीर सेनारा प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बहुत स्वागत और अभी तो बाहर में रहे जहाँ और अभी तो कब्जो कर और किसान हमें वहाँ पे अभी बदमाशी करनी पड़ी यहाँ पर बाकी कोई रस्तो नहीं है अभी है ना गणे रिया और मैं कह रहा हूँ अभी बदमाशी माता आओ जरा अपन पार पड़ी जय हिंद जय भारत जय किसान जय भारत। सरकार अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो 10,000 रुपए कर्ज माफ करूंगा पूरे देश के किसानों को। बिल्कुल सुनना अब ये बात, तो बैंक वाले और अर्थशास्त्री और जितने भी विरोधी थे सब कह रहे थे कि देवीलाल जी झूठ बोल रहा है, अगर 10,000 रुपए माफ कर देगा पूरे देश के तो देश का बैंक का खजाना खाली हो जाएगा। उस जमाने में 10,000 बहुत बड़ी बात थी देवीलाल जी। तो देवीलाल जी ने क्या कहा, अनपढ़ आदमी था वैसे देवीलाल जी, उसने कहा कि आप नौकर हो, आपका काम है नौकरी करने का, जब मैं आदेश दूं तो आप माफ कर देना, बैंक कहां से भरेंगे कहां से खाली होंगे ये काम है मेरा आपको ना। और जब देवीलाल जी वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में उन्होंने किसानों के 10,000 ध्यान है ना आपके, तो खाली हुए क्या बैंक? इससे पहले बताऊं, इससे पहले देवीलाल जी हरियाणा में प्रचार कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सारे बूढ़े आदमियों की पेंशन करूंगा, तो सारे विरोधी ये कहते थे कि पेंशन तो जो नौकरी करता है उसकी होती है, बगैर नौकरी के किए को पेंशन कौन देगा, देवीलाल झूठ बोल रहा है, बगैर धंधे का कौन दे। हाँ, तो जब देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा में बूढ़ों की पेंशन शुरू हुई थी, बूढ़े आदमियों की और औरतों की। सबसे पहले देश में पेंशन बगैर नौकरी किए बुड्ढों की पेंशन देवीलाल जी ने शुरू करी थी। आज वो पेंशन बढ़ती बढ़ती पता है कितनी चली गई, 1500 रुपए तो बुड्ढे को और 1500 बुड्ढी को, 3,000 रुपए घर में, घर ही आते हैं पैसे लाने के। पहले तो बैंक में जाते थे तो बुड्ढे, दूसरी बार बुड्ढों ने यह कहा कि बैंक में परेशान होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब बढ़ूंगा तो घर ही आ जाएगी, तो अब पेंशन बुड्ढों को घर ही मिलती है 3,000। तो राज के पास पैसे की कमी नहीं है, 3,000 परिवार चल जाता है, 3,000 से परिवार। इसलिए अपन ने तो कभी मांग ही नहीं करी, पंजाब में बिजली फ्री है किसानों को, पंजाब में फ्री है, तमिलनाडु में फ्री है, अब केरल में फ्री है, और कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे ही फ्री कर दी, पहले वहाँ फ्री थी बिजली 8 घंटे, दिल्ली में आधी है, और दिल्ली में आधी, घरेलू भी आधी कर दी, और किसानों के तो नाम मात्र की, हरियाणा में तो 100-150 रुपए लगते हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि कहाँ से मिलेगी, राजस्थान मिल रहा है उनको भाई, कहाँ से मिल रहा, सुनो वो तो खरीद के दे रहे हैं, राजस्थान में तो इतनी बिजली है कि सब किसानों को और घरों को फ्री बिजली देने के बाद बिजली बचती है। अब आपको पता नहीं, आपके इलाके में मैं बताऊंगा नई बात, ये आपके पूरे बाढ़ में, आप सुनो, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जमीन फोकट में कंपनियों को दे दी सरकार ने, सूर्य भगवान से बिजली बन रही है, पैसा थोड़ी ले रहा है, आवाज से बिजली बन रही है। तो सूर्य की गर्मी आप सबसे ज्यादा सहन करते हो और आपकी जमीन सरकार ने फोकट में कंपनियों को दे दी, तो उसके बदले में आपके आपके लिए क्या लिया सरकार ने? सरकार को ये कहना चाहिए था कि भाई मेरे राजस्थान के किसानों को और आम जनता को तो बिजली देनी पड़ेगी फ्री, और बाहर आप कितने रुपए में बेचो फिर आप जानो आपका काम जाने, अपनी जमीन भी गई, और जब किसी ने तार इधर उधर डाल लिया तो उसके आप लाख लाख रुपए की VCR भर रहे हो, 20-20 हजार की VCR भर रहे हो, इसका मतलब हमने विरोध नहीं किया, और जब विरोध नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले तेल देखो साहब, हमारे यहाँ बाड़मेर में तेल निकला, बाड़मेर को एक पैसे का हमारे को यहाँ बिजली तो, और ये जो सड़कें चमचमाती सड़क बन रही है आपके लिए नहीं बनी है, ये उन कंपनियों के लिए बनी है,
भाई यहाँ तो सड़कों की हालत खस्ता है। तो देखो स्कूल भी अब निजीकरण में जाएंगे, पढ़ाई सारी गई, जमीन जाएगी, तो आप फिर कब बोलोगे आप? इसलिए सब लोगों को लड़ाई को मजबूत करना चाहिए और हनुमान जी नेतृत्व कर रहे हैं तो ऐसे आदमी का सब लोगों को साथ देना चाहिए, ताकि कर्जा माफ होगा तो हमारे हमारे खाते में आएगा, पेंशन मिलेगी तो हमारे आएगी, बेरोजगारों को काम मिलेगा तो अपने बच्चों को मिलेगा, वो तो ये तो है नहीं, वो अपने घर ले जाएंगे। इसलिए सब लोगों को मिलजुल के ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए और 7 तारीख की रैली में आप सब लोगों को आना है, अपने रिश्तेदारों को, संपर्क वालों को, सबको आप मैसेज करोगे, आपने बोलने का मौका दिया और स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरा झुंझुनू जिले का तो मैं रहने वाला हूँ और झुंझुनू शहर में मैंने मकान बना रखे, इस इलाके का कोई भी आदमी कभी भी जाए तो मेरे नंबर आपको दे दिए, इसके पास आप सब नंबर ले लेना, जयपुर आओ तो ये करमवीर जी फौजी जयपुर रहते हैं, इनके जयपुरी मकान है, कभी भी कोई भी काम हो किसी भी प्रकार का तो आप बताना, आपकी 24 घंटे मदद के लिए हम तैयार हैं। कंप्लीट एक बात में बात हो रही है, मतलब डायरेक्ट जोन लगा रहे हैं, आवेदन तो कर रखे हैं कनेक्शन के लिए, लेकिन कर्सी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो फाइलें दबा के बैठे हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक ने घूम घूम के ऐसे बोला है कि मतलब कि आप फाइलें तैयार कर दो, मैं मतलब 1-2 महीने में जमा करवा दूंगा, यहाँ कम से कम हजारों किसानों ने मतलब ले लिए फाइलें तैयार करवा ली वकीलों से, अब वो क्या है फाइल 6 महीने वैधित होती, 6 महीने के बाद वो कोई काम की नहीं होती, उसकी वैधता खत्म, नई बनानी पड़ती है, अब उस फाइल पे तो पटवारी साइन नहीं कराए तो वो विद्युत गृह वाले कब कहाँ जमा कराए? देखो मैं आपको नई बात बताऊँ, अब आपको एक कनेक्शन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे वो पूछो मेरे को, वो जो SIR बिल आप पढ़ोगे ना तो उसमें दे रखा कि अब किसानों को कनेक्शन मत दो, इनसे जमीन खाली करवानी है, कंपनियां जोड़ के लाएंगी नदियां, जो कह रहा है प्रधानमंत्री 2022 में आपकी आय दुगुनी करूंगा, तो दुगुनी ऐसे करेगा आपको मजदूर रखेगा वहाँ आपके खेत में, खातेदारी में आपका नाम नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से हट जाएगा, तो ना तो आप बेच सकते ना किसी और कुछ कर सकते, तो इन्होंने प्लान बना ली कि इनको कनेक्शन मत दो, धीरे धीरे इनके खेत खाली करवाने, भाई आपके खेत में कुछ बच नहीं रहा तो आपके 2 बच्चों को खेत में रख लेंगे हम, 8,000 एक को देंगे तो महीने के कितने आ जाएंगे, इस बहाने धीरे धीरे खेत खाली करवाएंगे इजराइल की तरफ। हाँ नहीं वो नक्शा बना दिया ना उन्होंने, आप मेरा मोबाइल दिखाओ मैं दिखाता हूँ, ऐसे खेत बनेंगे, ऐसे खेती होगी, वो नदियाँ जोड़ के लाएंगे, सारा काम उनके हाथ में जाएगा, अपने को वहाँ मजदूर अपने को मजदूरी करनी है, पैसे मिलेंगे, फिर सुनो नफा नुकसान सब ऊपर से, अब वो मजदूरी भी इतनी देंगे फिर गेहूँ बिकेगी आपकी, गेहूँ नहीं बिक रही अभी 2,000 फिर बिकेगी 5,000, आपको जितना देंगे उतना ही वहाँ रख लेंगे, वो कि आप बच्चों की फीस दे दो, आप बच्चों ये आपको गेहूँ लेनी है ये दे दो, पशुओं के लिए चारा भी आपको खरीद के लाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि पानी आपका नहीं है ना, पानी तो कंपनियां जोड़ के लेके, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया, तो आप बच्चों आप दिखाना SIR बिल लिख के आप इनको सबको दिखाना कैसा, उसमें सरकार ने नक्शा भी बना दिया कि ऐसे मकान होंगे, ऐसे खेत होंगे, यहाँ स्कूल होगी, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वहीं पैसे रख लेंगे, जितना भी आपका काम एक ही है, मजदूरी करो बात खत्म, और इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, एक तो मरने के लिए वहाँ चले जाओ, बाकी यहाँ मजदूरी करो, ज्यादा सोच विचार करने की आपको जरूरत नहीं है, और अनाव पे नहीं कानून बनाया नहीं, अनाव विरोध भी करियो, लेकिन मोदी कहूँ गयो स्कूल बनावनी है, हॉस्पिटल बनावना है, तो हम बेहतर रख दिया उन्हें कि स्कूलों ने हॉस्पिटल से किसान फ्री जमीन देवन तैयार है, कानून बना वरी कट जरूरत है, अभी दी कौन राजीव गांधी स्कूल छोटे छोटे खुले दी कौन एक एक को फ्री में दी बनके वो तो आज बंद पड़ी है, हां बंद पड़ी है, ओके बार्गेन बंद पड़ी तो कर दिया एकीकरण कर दिया, नहीं उसको नहीं, अब कल परसों आपने अखबार में नहीं पढ़ा, आपकी बाड़मेर की कुछ स्कूल चली गई पीपी मोड बनाया उसने, पीपी मोड क्या जारी की है, पीपी मोड का मतलब ये धीरे धीरे इसको सरकाओ प्राइवेट की तरफ, मैं तो यो कहूँ आने सरकार रे ना सरकार वाला जूता ठोकना पड़ी की गए नहीं मोने यार, ये तो सोचने की बात है, देखो इस मुख्यमंत्री तो राजा महाराजा थे, मुख्यमंत्री इसको किसान से गरीब से आज से क्या लेना देना है, राजा महाराजा थे, अब अपने इसके पीछे हो गए, मोटी मोटी आंख देख के साड़ी बदल रही थी, जाटों की बहू बन गई, राजपूतों की बेटी बन गई, तो इसने जो रूप बदला ने उसके पीछे हम हो गए, बाकी इसको तो इसने दिया क्या है, महारानी लक्ष्मीबाई को किसने मराया, आप बच्चे तो पढ़ते महारानी लक्ष्मीबाई को तो सब जानते हो ना, तो आप बताओ किसने मरवाया, ये तो इतिहास में पढ़ा होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई को किसने मराया, सिंधिया उन्हें मरवाया,
सीधे कौन थे? इसके बाप दादा, इन्होंने ग्वालियर झूठी बात नहीं है, मैं एक भी बात आपके सामने झूठी नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, महारानी लक्ष्मीबाई अपनी जान बचा के ग्वालियर के इनके गढ़ में जान बचा के भागने की कोशिश की, तो इन्होंने अंग्रेजों से सेटिंग कर रखी थी, दरवाजे बंद कर लिए, बंद करके महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाने वाले लोग है और उनको हमने राज सत्ता सौंप दी, तो हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा बताओ। ये सच्चाई बात। आप धीरे धीरे आप सोशल मीडिया से आप जानकारी ले, सबका पता है इसमें, और एक आप बटन दबाओगे महारानी लक्ष्मीबाई को किसने मराया तो इनका नाम आ जाएगा। अब देखो खुद तो बीजेपी में, इसका भाई कांग्रेस में, खड़े दोनों पार्टियों के मालिक ये बन के बैठे हैं, और ज्योति महाराज कांग्रेस में मध्य प्रदेश में, और ये बीजेपी में, तो किधर ही जाओ यही फंसना है। अरे वैदिक गिरी एक जाटो और घर खराब कर दिए बड़े, उनको बेचारे को तो पता ही नहीं कहाँ गया वो, क्या भले ही वो कही याद है सीधानी है। तो इन चीजों को इनका कोई किसान से कोई लेना देना नहीं था, तो इनकी कोई गलती नहीं है, गलती अपनी है, अपने इनके पीछे दौड़ गए, इनकी क्या गलती है, इनका बेचारों का जमीन से कोई लेना देना नहीं, जमीन की स्थिति बारे में कोई पता नहीं। अब आप देखो ताजुब करोगे, मेरा भीलवाड़ा में छोटा सा काम बजरी का, बजरी का क्या है, मैं वहाँ मैंने मशीन लगा रखी इंटरलॉक टाइलों वाली, तो मैं वहाँ से बजरी लेता हूँ। तो अभी एक आया था अखबार, अब तो बजरी बंद कर दी वहाँ, कुछ हुआ था क्या? तीन चार महीने पहले की स्थिति है, एक ट्रक के मेरे से लेते थे 15,000, ये समझना आप धीरे, 15,000 रुपए लेते, सरकार की रसीद कटती 456 रुपए, और ट्रक के कितने लेते, 15,000, 14,500 तो जा रहा है किसके खाते में, ठेकेदार के डाका, और सरकार के खाते में कितना जा रहा है, 456 रुपए। वहां से सिर्फ बनास नदी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ रहता हूँ यहाँ पर भी था ये, वहां से 10,000 ट्रक निकलते थे रोज, एक महीने का वो, मैं तो 15,000 देने के लिए तैयार हूँ तभी तो दे रहा हूँ, तो सीधा अगर सरकार मेरे से ले ले तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, जब मैं ठेकेदार को दे रहा हूँ तो सरकार को देने मेरे कहाँ दिक्कत है। एक महीने का जो पैसा है ना बनास में दिया, उससे पूरे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, राजस्थान को लूट लिया इसने, वो भी बजरी, सो अपने आपके कुआव ठीक नहीं थी, हमारे थी, तो चूहे खा के बिल्ली अजबे निकली है। तो ये जो अब घूम रही है ना पूरे राजस्थान को खा के अब अजगरने निकली है, तो बनास नदी में, सिर्फ बनास नदी नदी में इतना पैसा उठ रहा है, एक महीने के पैसे से पूरे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है, और अगले महीने के खर्चे से सब बच्चों का इनका चेहरे पे रोने का जाए, लेकिन इनके पैसे सब वहाँ विदेशों में जा रहे हैं। अब राज्य अपनी संपत्ति लूट रही है और फिर भी हम इसका स्वागत कर रहे हैं, मैं तो दुर्भाग्य तो अपना अपना खुद ही लिख रहे हैं ना, अनवात्मा हमारा खा रहा है। अगले नंबर की बात देखो, मेरे खुद के नाम माइंस है पत्थर की, वो तो आप नेट पे देख सकते हो, मेरी माइंस उदयपुर वाटी में अच्छा पोलिंग, तो वहाँ से जो पत्थर निकलता है तो उस पत्थर पे रॉयल्टी तो रसी तो कटती है 850 की रॉयल्टी की पत्थर की, और लेते हैं 1,800, और आपका यहाँ का कोई सैल सिंह भाटी है आपके बाड़मेर का है जोधपुर का यहाँ का है। वो है वहाँ ठेकेदार, तो वो 1,800 रुपए लेता है, और मेरी माइंड से जो ही पत्थर जाता है तो रसीद तो 850 मिलती है, 1,800 रुपए लेता है। अब बताओ जितना सरकार के पास जा रहा है उतना किसके पास जा रहा है, तो सरकार का जितना बजट है उतना बजट किसका है, माफिया का। तो मैं ये कह रहा हूँ बजरी माफिया, सब माफ हो गए, चकाचक सड़क फ्री, शिक्षा, इतनी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं आपको, तो राजस्थान को तो लूट लिया, साफ कर दिया, गैस, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, फेल्सपार, सोडा, क्वार्ट्ज, मार्बल, ग्रेनाइट, चेजा पत्थर, जितने भी आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, बाटो मुड्डो, बस सारी चीज कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान पूरी दुनिया में, ये जीके का प्रश्न है बच्चों के काम आएगा, अजायब घर है, वेरी गुड बेटा, खनिजों का अजायब घर, ये पूरी दुनिया में खनिज के अजायब घर है राजस्थान, आज दुनिया में जो सामान नहीं है वो सामान कहाँ मिलता है, राजस्थान खजाना खाली है, राजस्थान का सारा माल लूट के चला गया बाहर, तो फिर खजाना भरेगा कब, इसलिए
गलत आदमी नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान बर्बाद हो गया। तो अपने को बचाना, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो सारे लोग हिम्मत करके इन चीजों का भी प्रचार प्रसार करो। और ये जैसे बच्चों को इनको ज्ञान, आप भी मोबाइल पे देखा करो सारी चीजें, खनिज संपदा रोज आ रही है बाहर, क्योंकि मेरे तो माइंड से काम है खुद का, तो मेरे को पता है इधर आप इधर जाओगे अजमेर से आगे तो 84 सड़कें जैसे जापान में आ गए सब, और माल गया विदेशों में, सारा का सारा प्रदेश हो गया खाली। तो हिम्मत करके इसको रोकना है। एक बात है, 7 तारीख नौ पन उठे बेटा।